तो अमेजोन से मैंने फायरबोल्ट फिनिक्स स्मार्ट वॉच ऑर्डर किया था, जो 2 वीक से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये स्मार्ट वॉच है जिसे मैं 2 वीक से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम आया है, वॉइस नहीं आ रहा है। कल से मुझे इसमें वॉइस में दिक्कत आ रही है। इसमें आप म्यूज़िक प्ले करते फिर भी वॉइस नहीं आ रहा है, और कॉल आता है फिर भी वॉइस नहीं आता है। तो अब मैं इसे रिटर्न या रिप्लेस कैसे कर सकता? इस वॉच के साथ आपको 1 ईयर वारंटी कार्ड मिलता है, जिस वारंटी को आप क्लेम करके इसे रिटर्न या रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किसे इसे रिटर्न या रिप्लेस कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है हमारा फायरबोल्ट फिनिक्स स्मार्ट वॉच का वारंटी कार्ड। यहाँ पे पीछे आपको वारंटी दिया गया है, रजिस्टर फॉर वारंटी। यहाँ पे आप वारंटी को रजिस्टर करने के बाद वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। वारंटी रजिस्टर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे साइट दी गई है, यहाँ पे क्रोम में ओपन करके इस साइट पे रजिस्टर कर सकते हैं, और एक स्कैन का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्कैन या साइट ओपन करने के बाद कैसे रजिस्टर करते हैं ये आपको बताता हूँ। दोस्तों, वेबसाइट पे ओपन करने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा नेम, जहाँ पे हम अपना नेम फिलअप कर देंगे। नेम फिलअप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ईमेल आईडी, जहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर आपको जो है वो डाल देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है चैनल ऑफ परचेस, आपने ये ऑर्डर कहाँ से किया था, अमेजोन फ्लिपकार्ट से, जहाँ से आपने ऑर्डर किया है उसे सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो हम यहाँ पे अमेजोन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है चूज़ द प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने कौन सा स्मार्ट वॉच ऑर्डर किया था। हमने फायरबोल्ट फिनिक्स स्मार्ट वॉच ऑर्डर किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरबोल्ट फिनिक्स, यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको 3 मंथ वारंटी, गिफ्ट वाउचर और कैशबैक मिलता है यदि आप यहाँ पे यस को सिलेक्ट करते, तो हम यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट का, यहाँ पे हम नेक्स्ट देंगे। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है ऑर्डर आईडी, आपको यहाँ पे अपना ऑर्डर आईडी डालना है। आपको पता नहीं ऑर्डर आईडी क्या है, तो आप अपने अमेजोन से जहाँ से आपने ऑर्डर किया है वहाँ पे योर ऑर्डर्स में जाके आप चेक आउट कर सकते हैं। ऑर्डर आईडी डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ परचेस, जहाँ हम अपने डेट डाल देंगे। तो हमने 5 तारीख को ऑर्डर किया था, तो हम 5 तारीख को सेट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपने वॉच ऑर्डर किया था उसका रिव्यू दिया है, तो उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना होगा रिव्यू का। तो हम यहाँ पे ऐड फाइल पे टैप करके इस रिव्यू को शेयर करेंगे। हम यहाँ पे ऐड फाइल पे जाएंगे, सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे, और अपना जो स्क्रीनशॉट पड़ा है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हम इमेज में जाएंगे, स्क्रीनशॉट में जाएंगे, और यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। जैसे अपलोड पे टैप करेंगे ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारा काम कर दिया है, अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप सबमिट पे टैप करेंगे आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे देख सकते हैं योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, आपका वारंटी सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब आप इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं ये बताऊंगा। वारंटी रजिस्टर करने के बाद वारंटी कार्ड में आपको नीचे की ओर ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, जहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हो और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ईमेल करते हैं तो आपको क्वेरीज जो भी प्रॉब्लम है वॉच के रिलेटेड वो बताना है, एड्रेस बताना है और कॉन्टेक्ट बताना है, फिलअप करके आप डाल सकते हैं, और आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप ये कर लेंगे आपको वहाँ से कंपनी की ओर से डिलीवरी बॉय आएगा, वॉच को रिसीव करेगा और कुछ दिनों में उसे ठीक करके या रिप्लेस करके वो आपके एड्रेस पे सेंड कर देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।